कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। खुद का और परिवार का ख्याल रखना, परिवार के साथ वक्त गुजारना और लोगों की मदद करना। मगर इस कोरोना काल में ऐसा भी देखा गया कि किसी कोरोना पेशेंट को मदद भी नहीं मिली है, चाहे वो एम्बुलेंस हो या दवाइयां हो। शहर के मदनागपुर परिसर में रहने वाले सचिन बड़िए और उनकी टीम ने शहर में वार्ड की कोई भी समस्या हल करने के उद्देश्य से वार्ड निवारण समिति की निर्मित की। वार्ड समस्या को हल करते करते इन युवाओं ने कोरोना के पूरे काल में लोगों की मदद की। मदद के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया। दिन हो या रात हो, फोन आते ही टीम समस्या का हल करने पहुंच जाती थी। जिस भी परिसर में कोरोना पेशेंट मिला हो, वहाँ समिति के लोगों ने सैनिटाइज किया। न खुद की चिंता की, न परिवार की चिंता की और निरंतर सेवा धर्म निभाते रहे हैं। इतना ही नहीं, समिति ने जरूरतमंदों को राशन किट, भोजन दान और कोरोना से लड़ने के लिए मरीजों को दवाइयां निशुल्क वितरित की गई। ऐसे ही युवा को हमने इनके जज्बों को सलाम करते हुए कोविड योद्धा से नवाजा। सड़कें हैं सुनसान, हो गई है दुनिया वीरान, डर रहे हैं हम निकलने भी घर से बाहर, और वो डर रहे हैं घर जाने से और छूने से बच्चों। जोखिम में डाल अपनी जान, कर रहे हैं दिन रात एक, करने के लिए है रक्षा हमारी। कहा उन्हें आराम है, अपनी नींदें उड़ाती, अपनी भूखें मिटाती, इच्छाओं को त्याग कर सह कर दुख और बाधा छिपा कर अपने दिल का दर्द, कर रहे हैं मानवता की सेवा, देश सेवा धर्म समझ कर रहे हैं लड़ कोरोना से, हौसले से अपने रहे हैं जिंदगी आप बचा, जान से खेल कर अपने लड़ रहे हैं जंग। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में रहे हैं निभा महत्वपूर्ण भूमिका, करते हैं प्रकट हम सभी योद्धाओं का हृदय से आभार। नायकों के इस इरादे को सलाम, नायकों के इस इरादे को सलाम।